हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है खुश है और मज़े में है तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं तो बहुत टाइम के बाद जो है वेलकम बैक टू माय चैनल जैनिश व्लॉग्स तो इस टाइम जो है हमारी तैयारी बन रही थी तो हम जा रहे हैं कराची तो बच्चों को बड़ा वो हो रहा था कि हम कराची जाएँ और मेरा मेका सारा वहाँ है मेरे अम्मी अबू बहनें सारी वहाँ पर है और मेरी जो बहन की शादी हुई है तो वो भी कराची में है तो मैं शादी होकर जो है यहाँ पेशावर आई हुई हूँ तो बहुत टाइम के बाद हम जा रहे हैं अब्बास चार साल का था जब हम गए थे और तो बस इस तरह से ना यहाँ पे तैयारी हो रही है और अब्बास और निदा के सारे कज़न्स आए हुए हैं उनको गुड बाय कहने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं गुड बाय कहने के लिए आए हुए हैं और थोड़ी खुशी भी है उदासी भी है कि हम जा रहे हैं लेकिन वहाँ जाने की खुशी है और यहाँ छोड़ के हम जा रहे हैं तो यहाँ की हम थोड़ा सा खफा हो रहे थे कि बच्चे सारे हमारे छुट रहे हैं तो यहाँ से छोटे छोटे जो है कज़न्स निदा लोग के आए हुए हैं और इनको गुड बाय कह रहे हैं तो हस्बैंड तो थे नहीं हस्बैंड गए जो है पेशा इस्लामाबाद में थे और मैं जो है यहाँ पे हूँ तो मेरे देवर ने लेके जाना था मुझे अड्डे तो यहाँ पे जो है घर का लुक लास्ट टाइम में तो ये सारा घर का लुक आप देख ले कमरे सारे वगैरह आप लोग देख ले तो बस इन सब को ना मैं बंद करके जाऊँगी तो पीछे से मेरी देवरानी ख्याल रखेगी मेरे घर का और इस तरह से ये सारे कमरे सारा मैंने सेट किया हुआ है वॉकर और झूला मैंने रख दिया था और सारे किचन भी मैंने सेट कर लिया था कूलर जो है सारा खाली कर लिया था क्योंकि तो पानी पड़ा रहने से ना वो ख़राब हो जाएगा और इस तरह से ना मेरे सारे प्लांट्स भी यहाँ पे मौजूद है ये देखिए ये मेरे प्लांट्स तो इनको भी बहुत सारा गुड बाय तो जाएंगे हम बस फिर अब जो है हमारा टाइम हो रहा था लेकिन थोड़ी देर थी तो बस यहाँ पे हमने सब कुछ पैक वेक करके ना मेरे दोनों देवर मेरे साथ जा रहे थे और हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो बच्चों को खुशी हो रही थी कि हम जा रहे हैं कराची तो बस बच्चों को ना जगह चेंज करने में मज़ा आता है कि बस एक जगह पे वो लोग बोर हो जाते हैं और एक बस स्कूल मदरसा और ट्यूशन तो उससे भी वो लोग बोर हो जाते हैं तो हम डाइवो में जा रहे थे बिलाल डायवो में हम जा रहे थे तो उनका काफ़ी अच्छा है आ, सर्विस काफ़ी अच्छी है और हमारे घर से जो भी जाता है वो बिलाल डायवो में ही न, जाते हैं तो इस टाइम जो है ना हम अड्डे पहुंच गए हैं बस बस जो है वो खड़ी हुई थी और मेरे देवर को कॉल भी की है इन्होंने कि कब तक पहुंचोगे तो बस हमने कहा कि बस हम रस्ते में हैं पहुँच जाएँगे तो बस हमारा पहुंचने की पहुंचने का वो होता कि बस हम पहुंचे और गाड़ी पर रवाना हो तो यहाँ पे बस मेरे देवर दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड नहीं होते तो ये दोनों ही मेरा हर एक काम करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं मेरा मेरे बच्चों का खास कर मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो ये एक देवर तो मेरे साथ ही है वो तो बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन ये एक दूसरे घर में है लेकिन जब भी आते हैं या देखते हैं तो बहुत अच्छा वो ट्रीट करते हैं मेरे बच्चों के साथ तो इस तरह से ना बस हम उतर गए थे अब हमारा सामान यहाँ पे पैक हो रहा था तो बस सामान रख के ना मैं जाऊँगी तो अपने कज़न के साथ जाऊँगी मेरे कज़न है तो उनके साथ मैं जाऊँगी ताकि बच्चों को ना थोड़ी सेफ्टी सी हो और वो हमारे साथ हो तो बस मैं उनके साथ जाऊँगी कज़न के साथ कराची और सारे सफ़र में वो हमारे साथ होंगी तो इस तरह से ये हमारा सामान जो है यहाँ पे मेरे जेड देख रहे थे कि इन्होंने रख लिया है सही के नहीं तो बस सामान रखने के बाद बस हम ऊपर चढ़ेंगे और इस वाले कज़न के साथ मैं जाऊँगी ब्लू कलर के कपड़े जिनके हैं तो बस यहाँ पे हम अपने सीटों पे पहुँच रहे थे बस ये हमारे ड्राइवर थे और ये हमारी बस थी मैं बस का लुक भी आप लोग को दिखा देती हूँ तो बस कुछ इस तरह से इस तरह की बस थी यहाँ पे ये यह देखें ये सारी बस है और काफ़ी न्यू सी थी, थी और अच्छी भी थी से हमने दो सीट ली हुई थी और बस यहाँ पे अब और ये थे कि ना लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैंने विंडो सीट लेना है मैंने लेनी है तो यहाँ पे ये यह सारा व्यू है बस का और इसी तरह की बस है तो काफ़ी अच्छी लग रही है आगे हम देखेंगे कि सफ़र अच्छा होगा या नहीं तो बस यहाँ पर ये यह हमारी हमारा एरिया रिंग रोड है बस यहाँ से हम निकल गए हैं खैर से और बस अल्लाह हमें ना खैर खैरियत से कराची पहुँचा दे और डर भी थोड़ा लग रहा है ताकि हस्बैंड नहीं है लेकिन फिर भी कज़न तो थे लेकिन हादसों का क्या पता कि कुछ भी हो जाए रास्तों में तो अल्लाह बस हमें खैर खैर से वह जो है वहाँ पहुँचा दे तो बस यहाँ पे जो है हमारा सफ़र शुरू हो गया था तो फ़िलहाल तो बहुत खुशी हो रही थी आगे हम देखेंगे कि सफ़र कैसा होगा हम तकेंगे कि नहीं और बस यहाँ से हमारा सफ़र अब्बाज़ को यहाँ पे ना मुसलसल भूख लग रही थी और वो मुसलसल कुछ ना कुछ खा रहा था तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था और एयर कंडीशन था तो उसकी वजह से ना काफ़ी ठंड थी अंदर और यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी ही थी और बड़ा मज़ा हमें आ रहा था और यहाँ पे जिम्मी भी अपना फीडर पी रही थी और ये दोनों न कुछ, कुछ ना कुछ खा रहे जो भी मैंने लिया था स्नैक्स में वो लोग खा रहे हैं ये तो बस यहाँ पर हमारा दोपहर का तो हो गया था ये असर का टाइम है तो असर के टाइम में जो है हम रुके थे यहाँ पर नमाज के लिए तो यहाँ पे बस नमाज़ पढ़नी थी और फिर जो है हमने दोबारा से जो है अपना सफ़र शुरू कर लेना तो, तो, तो काफ़ी अच्छे जगह थी ये और काफ़ी एरिया इन्होंने पकड़ा हुआ है और काफ़ी यहाँ पे ये यह बड़ा है तो, तो कुछ लोग जो है मुँह हाथ धो के बस नमाज़ पढ़ के ना चाय पी ली थी यहाँ पे और हम भी यहाँ पे आ गए थे बच्चों को स्नैक्स लेने थे क्योंकि यहाँ पे जो है चिप्स वगैरह थे तो बच्चे ना देख के पागल हो गए थे कि नहीं हमने लेना है क्योंकि मेरे जेठ और देवर ने बच्चों को पैसे दिए थे तो वो उसी से ना लेना चाह रहे थे तो यहाँ पे हम मार्ट था छोटा सा वहाँ आ गए थे हम और यहाँ पे सारी चीज़ें हद हाँ से ज़्यादा महंगी थी मतलब ना लेने वाली कीमतें थी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा कीमतें थी इन सब चीज़ों की फिर भी हमने दो तीन चीज़ें ले ली थी ताकि बच्चे चुप हो और बस वो लोग खाएं और जो है सफ़र हमारा अच्छा सा गुजर जाए तो यहाँ पे बस सनसेट होने वाला था और काफ़ी मज़ा बच्चों को आ रहा था यहाँ पे तो बस निदा कह दी कि मामा बस शाम हो और सुबह हो और बस हम पहुँच जाएँ तो यहाँ पर शाम हो गई थी और ये सारा यहाँ पर बस यहाँ पे फिर हम सुबह का टाइम था, था और हम यहाँ पे पहुँच ही गए थे रात का मैंने नहीं दिखाया जिस टाइम हम खाना खा रहे थे तो वो मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि बच्चों ने काफ़ी तंग किया हुआ था और मैं भी थकी हुई थी दस बजे जाके कहीं गाड़ी रुकी थी तो ये यहाँ पे सुबह हो गई है और हम पहुँच गए हैं कराची तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से आप लोग को पता लग रहा होगा कि हम कराची पहुँच गए हैं तो बस अब लेने आएँगे और मेरे मेरा एक बांजा है तो वो लेने आएँगे तो बस खुशी भी हो रही थी उन्हीं रास्तों से मैं गुजर रही थी जहाँ से मेरा बचपन गुजरा है जहाँ मेरी जवानी पूरी गुजरी है और मैं कॉलेज गई हूँ स्कूल गई हूँ बोर्ड ऑफिस सारे यहाँ पे आ, मतलब आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता तो उन सब से मैं गुज़री हूँ इन सभी रास्तों से मैं गुजरी हूँ तो करीमाबाद से होके गुज़री थी हमारी बस तो ये सारी जगह मैंने देखी हुई है और मैंने काफ़ी टाइम इन पर सफ़र किया हुआ है तो अब थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई है बहुत तो नहीं आई है थोड़ी बहुत आ गई है और बस यहाँ से ना इंशाल्लाह जो है हम पहुँच गए हैं खैर खैरियत से हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ना रोशनी बढ़ रही है और ट्रैफिक कोई नहीं है क्योंकि हम काफ़ी टाइम पे पहुँच गए थे छः बजे ही हम पहुँच गए थे और काफ़ी मतलब रश वश कुछ भी नहीं था और जल्दी पहुँच गए थे हम बस यहाँ पे अड्डे पे गाड़ी रुकेगी और फिर बस हाँ वो लोग हमें आएंगे पिक करने तो ये सारी कराची कराची का व्यू तो खुश हो रहा है दिल के चलो अम्मी से मैं मिल लूँगी और बहन से मिल लूँगी और काफ़ी टाइम बाद मिलूँगी और उन्होंने नया घर भी लिया है तो वो भी मैं देख लूँगी तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम पहुँच गए थे हमारा सामान भी उतर गया था बस हम जो है हम यहाँ खड़े थे अबू हमें लेने आए थे ये है मेरे प्यारे अबू अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह लम्बी ज़िंदगी दे मेरे अबू को और हमेशा इनका सायना हमारे सरों पे सलामत रहे तो यहाँ पे यहाँ पे एक डाइवो सर्विस है तो ये औरज डाई सर्विस है यहाँ पे तो बस यहाँ पे इस तरह से हम पे डाईवो तो यहाँ पे रुकी थी अंदर नहीं गई थी और यहाँ पे हम रुके देखे हमें रिक्शा मिले तो फिर हमने रिक्शा करवा लिया था और हम इसमें बैठे हुए थे तो निधा ने जो है गिफ्ट लिए हुए थे मेरे बांझे और बांझीओं के लिए बांझी है एक मेरी और तीन बांझे हैं तो एक तो बहुत छोटा है और एक हादी और मोयज़ है तो उनके लिए जो है इन्होंने गिफ्ट रेडी किए हुए थे तो वो लेके ना इसने कहा कि मैं जैसे पहुँचूँगी मम्मा तो मैं दूंगी तो बस यहाँ से जो है हम पहुँचेंगे तो वो पिर्दा देगी और यहाँ पे रिक्शे का सफ़र बच्चे कम ही बैठते हैं लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी सफ़र अब रिक्शों में ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है इसी तरह से हमें करना है सारा और यहाँ पर अबास खुश है कि चलो हम मिल लेंगे सबसे और यहाँ पे निदा भी खुश है तो मौसम अभी तो काफ़ी अच्छा है आगे हम देखेंगे कि आगे आगे मौसम किस तरह से है तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें और इसी तरह से जो है मेरी वीडियोज़ को देखते रहा करें और मुझे सपोर्ट करते रहा करें तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और निदा ना अब गिफ्ट दे रही है तो सबसे पहले अब्दुल हादी को दी है इन, इसने गिफ्ट और फिर जो है इसके बाद जो है गुलाले को दी थी और अब्बास भी लेके आया था लेकिन अब्बास ना थोड़ा वो है पता नहीं वो भी दे रहा था लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं बाद में दूँगा तो यहाँ पे निदा ने फिर गुलाले को दी है उसकी कज़न है तो निदा ने फिर गुलाले को यहाँ पे गिफ्ट दिया है और इतने इतना शौक से इसने बनाया था सारा कुछ स्टिकर्स वगैरह सब कुछ इसने लिए हुए थे उनके लिए और यहाँ पे मोइज है तो मोइज़ को आब्बास और निदा दोनों ने दिए हैं और यहाँ पे ये लोग अहमद यार के साथ लगे हुए हैं आब्बास इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह मेरी वीडियो वॉच करते रहा करें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय